सिरसा के वीरगोर सिंह चौक स्थित हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के कार्यालय में हम सेक्युलर के कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई। इस बैठक में संगठन को मजबूत करने और बूथ कमेटी बनाने पर बल दिया गया। मुंगेर विधानसभा के सीताकुंड मैदान में बीजेपी ने किसान सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान बीजेपी की ओर से कोविड 19 के गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गयी। सम्मेलन में शामिल होने आए लोगों ने मास्क तक नहीं लगाया। बिहार के सभी पुलिस कर्मियों ने एक बार फिर से शपथ ली है कि वो ना तो शराब का सेवन करेंगे ना ही किसी को करने देंगे। जम्मू में भी पुलिस जवानों ने शराब नहीं पीने की कसम खाई है। छपरा के मरहौड़ा के मोहन बगान में अखंड ज्योति आई अस्पताल की ओर से निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कई लोगों की आंखों की जांच कर उन्हें मुफ्त में दवा और चश्मा दिया गया। सहरसा में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण ऋण योजना के तहत जिला के मुख्यालय में बने नए कार्यालय का डीएम कौशल कुमार ने फीता काट कर उद्घाटन किया। इस योजना के तहत ऋण लेने वाले अभ्यर्थियों को 2 लाख और वृहद ऋण लेने वाले अभ्यर्थियों को 5 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। मुंगेर में योग नगरी सहायता संगठन की ओर से कंबल का वितरण किया गया। नवागढ़ी के अम्बेडकर नगर में गरीब गुरबों और असहायों के बीच गर्म कपड़े बांटे गए। वहीं कंबल पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे और लोगों ने संस्था को धन्यवाद दिया। आज जैसे ये नवागढ़ी दक्षिणी क्षेत्र के अम्बेडकर नगर गांव है, हम लोग गांव सेलेक्ट करके जो यहाँ के विधवाएं हैं और जो ऐसे लोग हैं जो कि जिनके घर में ठंड से बचने के लिए कंबल नहीं है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके लगभग इस गांव में हम लोगों ने 15 लोगों को चिन्हित करके इस गांव में आज हम लोगों ने कंबल वितरण किया। सहरसा में डीएम और एसपी की ओर से एक सराहनीय पहल की गई है। बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए डीएम कौशल कुमार और एसपी राकेश कुमार ने गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया। मुजफ्फरपुर में समता पार्टी के सदस्यों ने रविवार को आक्रोश मार्च निकाला। नवादा में मासूम बच्ची के साथ हुए रेप की घटना के विरोध में ये मार्च निकाला गया। टावर चौक से खुदीराम बोस स्मारक स्थल तक पैदल मार्च कर रहे लोगों ने बिहार सरकार और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नवादा में 8 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है और वहां की प्रशासन सोई हुई है। नीतीश कुमार कुछ नहीं बोल रहे इस मामले को लेकर, अभी तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है। हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द SIT गठन करके इस मामले की उच्च स्तरीय जाँच हो और बलात्कारी को फांसी की सजा मिले। छपरा में इलेक्ट्रॉनिक दुकान से लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। घटना मशरक थाना क्षेत्र के डुमरसन पोखरा बाजार की है, जहां चोरों ने रविवार की रात इलेक्ट्रॉनिक दुकान का ताला तोड़ 12 LED TV की चोरी कर ली है। ये 12 बजे मैंने दुकान के अंदर ताला टूटा हुआ है और हम लोग 1 बजे अगर देखे तो हमारे दुकान में से LED मैंने 12 पीस में चोरी हो चुका था। उसके बाद एक LED मिला है हमारे शंकर भगवान की जो मंदिर है उसके पास वहाँ मिला है। छपरा में सड़क हादसे में एक छात्र की मौत हो गई है। हादसा गड़खा मानपुर मुख्य मार्ग पर मीठेपुर ब्रह्म स्थान के पास हुआ है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि अनियंत्रित ट्रैक्टर ने साइकिल दुकान पर साइकिल बनवा रहे छात्र को कुचल दिया, जिससे छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि साइकिल मिस्त्री बुरी तरह से जख्मी हो गया। पश्चिम से आ रहा था, एक बार घूम के बाहर उसको पेट में हेल गया। सहरसा में एक बेटे ने अपने पिता की ही पीट पीट कर हत्या कर दी है। घटना सोनवर्ष राज थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव का है। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद में बेटे ने बुजुर्ग पिता को चापाकल के हैंडल से पीट पीट कर मार डाला और सौतेली मां को भी पीट पीट कर अधमरा कर दिया है। पूरे उत्तर भारत समेत बिहार झारखंड में ठंड से आम लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ठंड के चलते लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं और आग के सहारे ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची में भी शिमला जैसे हालात हैं, जबकि काके का न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। झाझा के चांदबारी मैदान में स्वर्गीय दिग्विजय सिंह मेमोरियल टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 4 की शुरुआत की गई। इसका उद्घाटन बांका लोकसभा की पूर्व सांसद पुतुल देवी और LJP के युवा प्रदेश महासचिव राष्ट्रदीप सिंह ने फीता काट कर किया। मुजफ्फरपुर में शीतलहर के साथ साथ प्रदूषण के स्तर में भी बड़ा इजाफा हुआ है। प्रदूषण के ताजा आंकड़े के मुताबिक मुजफ्फरपुर देश में सबसे अधिक प्रदूषित शहर बन गया है। शहर का AQI का स्तर बढ़कर 453 हो गया है।